दोस्तों फिर से आपका स्वागत है प्रांतोष्टिक चैनल पे। देखिए आज एक नया वीडियो रिपेयर के वीडियो है, आप लोग देखते रहिए, सारे चीज़ इसमें बताएंगे। तो ये दो कोरियर है, एक तो देखिए ये जो बोर्ड था मैंने प्री बुकिंग में डाला था, ये रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो एक बोर्ड डैमेज है, दूसरा बोर्ड देखते हैं। और ये जो बोर्ड है ये किसी दूसरे के पास से ख़रीदा हुआ बोर्ड है, तो ये आप लोगों को खुल के दिखा रहा हूँ ये कौन सा बोर्ड है। देखिए दोस्तों ये वाला बोर्ड आप लोगों को खुल के दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है मेरे को भी पता नहीं है, ये खुलने के बाद पता चलेगा कि दूसरे बंदे मैंने भेजा है। तो देखिए रेड कलर का बोर्ड मेरे को लग रहा है, तो इसके अंदर देख रहा हूँ क्या है। देखिए क्लास डी वाला बोर्ड है, तो क्लास डी वाला बोर्ड उन्होंने बताया था लेकिन कौन सा मॉडल मेरे को पता नहीं था। तो ये वाला मॉडल जो है देखिए ये MB कलेक्शन का होगा, कहीं पर उसका नाम लिखा होगा शायद। MB ने ऐसे रेड कलर का बोर्ड लगाया था और ऐसे जम्पर करके दिया था, मतलब इस सेक्शन को बात रख के चलाया था। तो ये रिपेयर की कोशिश किया है लेकिन बहुत ही डैमेज हो चुका है बोर्ड। तो मैं कोशिश करूंगा इसको रिपेयर करने के लिए आप लोगों के सामने, कोई भी अनकट नहीं होगा, थोड़ा फास्ट करके दिया वो वीडियो जितने जल्दी हो सके आप लोगों को शेयर करने के लिए। और ये जो कोर है दोस्तों, ये वाला कोर इसमें नहीं चलेगा, ये कोर थोड़ा बल्की है। और ये जो कोर है इसमें जो हमारा माइक हेनरी होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आता है इसमें, तो इस कोर इसमें नहीं चलेगा, कोई अच्छा वाला कोर लगाना पड़ेगा। तो एक कोर को मैं हटा दिया हूँ, साइड में रख दिया हूँ, मतलब एक कोर हटा देंगे, ये ऐसे ही टूट गया था आते आते। और देखिए इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह भी उन्होंने चेंज किया था, बोर्ड में इशू आया है, बोर्ड में जल के उसका कलर बिगड़ गया है, इसमें रेगुलेटर सेक्शन हटा के दिया है और बाकी प्रीसेट वगैरह तो ठीक ठाक लग रहा है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट उखाड़ा हुआ है, मतलब ये जो रिपेयर करने की कोशिश की था शायद उन्होंने उखाड़ा या कुरियर से आते आते उखड़ गया। देखिए MB कलेक्शन का उसमें स्टिकर दिख रहा है। तो चलिए कोशिश करते हो आप लोगों के सामने इसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने से पहले अगर आपको पास सर्किट डायग्राम है तो बहुत बढ़िया है, सर्किट डायग्राम लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास सर्किट डायग्राम नहीं है तो आप एक एक कंपोनेंट को चेक करिएगा, और इसमें क्या क्या चेक करना है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हाई वाट का रेजिस्टेंस सारे चेक कर लेना है कि रेजिस्टेंस सही है कि खराब है। स्पेशली जो आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है क्या नहीं है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। देखिए इसमें हाई वाट का जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ये सही बता रहा है। तो ऐसे चेक कर लेना है सारे रेजिस्टेंस को। और ये जो है देखिए इसमें चार रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये चारों रेजिस्टेंस 0.1 ओम या 0.22 ओम का हो सकता है। देखिए एक ऊपर गया है तो इसमें लिखा भी होगा 0.1 ओम्स का है, तो इसको चेक करना है। एक्चुअली ये फ्यूज़ की तरह काम करता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है, तो इसको बीप आना चाहिए, मतलब शॉर्ट हो तो बीप आएगा, मतलब सही है तो। और इसमें जो डायोड लगा हुआ है दोस्तों, ये डायोड भी मेरे ख्याल से कोई दूसरा डायोड लगा हुआ है, ये डायोड इसमें नहीं चलेगा। तो देखता हूँ इसका डायोड का क्या वैल्यू है। हाँ ये जो डायोड है दोस्तों ये नॉर्मल वाला डायोड है, तो ये डैमेज हो सकता है, अगर ये डैमेज है तो निकाल दीजिए, और डैमेज ना हो तो भी निकाल दीजिए। जो नॉर्मल डायोड होता है अल्ट्रा फर्स्ट, एक्चुअली इसमें जो डी क्लास में लगता है ये, फिर भी ये कॉइल के साइड में, तो ये अल्ट्रा फर्स्ट वाला डायोड लगाना है। ये नॉर्मल डायोड है, ये नॉर्मल डायोड चलेगा नहीं तो इसको रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह में आप 460 या EF वाला या 207 307 कुछ भी लगा सकते हो आप, लेकिन ये अल्ट्रा फास्ट वाला ही लगवाना है। ये 4007 भी लगा सकते हो। तो कैपेसिटर देखिए एक साइड में एक है, एक साइड में तीन है, तो इसको बैलेंस कर देंगे हम, एक साइड से निकल के दूसरे साइड में लगा देंगे, ठीक है। इसमें सेट कर दे रहा हूँ, और ये थोड़ा उकर चुका है, मतलब ये कुरियर से आने के टाइम शायद उकर चुका है, तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ फॉल्ट देखना है तो उसको पहले तो मोटा मोटा जो प्रॉब्लम है वो हमारा आंखों में दिखाई दे रहा है उसको हम कर रहा हो, उसके बाद हम डीपली जाएंगे, तो इसका सारा चीज़ हम बता देंगे। देखिए जो कैपेसिटर है ये तो मैंने दोनों साइड में बराबर कर दिया हो, तो अभी क्या देखना है दोस्तों, ये दो रेजिस्टेंस जो है दोनों साइड में, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको चेक करना है। ये रेजिस्टेंस 6K8 का लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू 6K8 तक आना चाहिए, देखता हूँ। हाँ ये 6K8 के बराबर है, मतलब लगा हुआ है बोर्ड में, थोड़ा कम दिखाएगा, 6K8 के बराबर दिख रहा है, दोनों साइड में सही है। तो ऐसे चेक कर लेना है पहले ये दो रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस सही रहता है, सारे टाइम ओपन हो जाता है कभी कभार। और इसके साइड में दो कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर जो है ये सप्लाई देता है, जो हमारा मेन IC है और कंपैरेटर IC है, ये दोनों में सप्लाई देता है। तो ये दोनों में सप्लाई उस पॉइंट से बनता है, तो ये 5.6 वोल्ट भी बन सकता है। ये जो डायोड है, ये जो जेनर अभी चेक कर रहा हूँ, इस डायोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये 5 वोल्ट होता है, 6 वोल्ट भी हो सकता है या 12 वोल्ट भी हो सकता है, डायोड के ऊपर डिपेंड होता है। तो डायोड को एक बार चेक कर लेना है, डायोड सही है कि नहीं। हाँ डायोड वैल्यू ठीक ठाक दिखा रहा है,
पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में भी ठीक ठाक दिखा रहा है, मतलब डायोड वैल्यू बिल्कुल ओके है। ये डायोड को चेक करना है और बोर्ड में जितने भी डायोड है एक एक करके आपको चेक कर लेना है, मतलब जो भी डायोड आपको आँखों में दिखाई दे रहा है तो वो डायोड को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे कुछ डैमेज मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें कुछ कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट हुआ था शायद, उसका जो रेशे है वो इसमें लग चुका है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेंगे। और ये जो कैपेसिटर है ये बाद में चेंज किया हुआ कैपेसिटर मेरे को लग रहा है, तो कोई बात नहीं, ये कैपेसिटर एक तो ठीक है और ये आईसी सेक्शन पूरा जल चुका है। इस सेक्शन को अच्छे से क्लीन करके फिर इसको रिपेयर करना है। तो देखिए, इसका एक जम्पर भी था मेरे ख्याल से, जम्पर टूट चुका है या ओपन है मेरे को पता नहीं है, तो इसको सारे चीज़ अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। आईसी को हम हटा दे रहा हूँ, इस आईसी को हम चेक कर लेंगे। एक्चुअली आईसी चेक करने का तो आप शॉर्ट है तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन आईसी ओपन है तो आप चेक नहीं कर सकते आईसी टेस्टर के बिना, वो भी हम दिखा देंगे। मेरे पास आईसी टेस्टर भी अवेलेबल है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो ये सारे आईसी को निकाल लेना है। ये 7-1 वाला आईसी है या 0-8-1 भी हो सकता है इस पॉइंट पर। और ये OPM है, OPM तो मतलब ये डिटेक्ट किया हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाईपास करके लगा हुआ है। MB कलेक्शन में जितने भी बोर्ड सेल करता है इसको ठीक नहीं करता है, तो इसी हिसाब से वो सेल कर देता है, मतलब एक कैपेसिटर होके सीधा इसमें ऑडियो इनपुट हो रहा है, तो जो प्री सेक्शन इसका कोई काम नहीं है, इसमें 1K रेजिस्टेंस लगा हुआ इसको पास पे जा रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है इसमें वो शॉर्ट करके रखा है, तो ये जो कैपेसिटर है ये मेरे को डैमेज लग रहा है, तो इसको निकाल देंगे, मतलब पीछे से फूल चुका है, तो इस कैपेसिटर को हम निकाल दे रहे हैं। निकालने के बाद वो अच्छे से क्लियर करना है सारे चीज़। मैं ट्रांजिस्टर को भी निकाल लेता हूँ कि ट्रांजिस्टर बाद में लगा हुआ है, बहुत लंबा मतलब ऊँचा करके लगाया गया है, तो इसको भी एक्चुअली वो जो है ना, किसी ने जो रिपेयर करने की कोशिश की थी तो ये सारे ट्रैक को हटा दिया गया है, मतलब ठीक से किया नहीं है उन्होंने। ये सारे डिसोल्डर करने के टाइम ये ट्रैक भी उखड़ चुका है, ये सारे उखड़ दिया है, तो जितना हो सके हम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके सारे चीज़ निकल लेते हैं, जो भी फॉल्ट लगे जिसको भी चेक करना है सारे चीज़ को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, मतलब जो चीज़ मेरे को बोर्ड से चेक नहीं हो पाएगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए, जो पार्ट है इसमें रेजिस्टेंस है जो ये 4K6 तो 4K7 का रेजिस्टेंस है, तो ये 4K7 बता रहा है। इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम भी सही सही बता रहा है, ये टेन ओम्स का है, 10 ओम्स बता रहा है। तो ये जितने भी मोटा मोटा रेजिस्टेंस है आपके सामने 1 वाट 2 वाट में सारे को चेक कर लेना है अच्छे से, और जेनर पहले ही बता दिया, जेनर जितने भी है इस बोर्ड में आपको चेक कर लेना है एक एक करके। तो मैं देखिए चेक कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को एक एक करके चेक कर रहा हूँ, मतलब एक बार अगर कई पॉइंट पे डैमेज है तो सारे चीज़ लगाने के बाद फिर खोलना पड़ेगा, तो एक एक करके अच्छे से आपको चेक कर लेना है। तो इसमें भी जेनर देखिए, ये जेनर शॉर्ट है, और इस पॉइंट पे भी एक है, इस ये भी शॉर्ट है। मेरे ख्याल से ये बोर्ड फुल शॉर्ट हुआ था, फिर आईसी जल गया है तो इसके वजह से ये शॉर्ट हुआ है। तो इस पॉइंट पे एक डायोड है जो अल्ट्राफास्ट वाला डायोड ही लगा हुआ है, उसको चेक कर ले रहा है। देखिए डायोड वैल्यू सही बता रहा है, मतलब डायोड तो सही है, तो इतना तक सही है, और जितने भी एक्स्ट्रा वायर वगैरह है वो सारे निकाल लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे इस बोर्ड को। देखिए, आपके पास अगर डिसोल्डर पंप है तो उसे कर लीजिए, या डिसोल्डर आपके पास कोई मटेरियल्स है उससे आप डिसोल्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए, मैंने इस पिन को हटा दिया हूँ। अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसको सारे चीज़ फिर से रीइंस्टॉल करूँगा, और जो चीज़ बाहर निकाला है ये सारे कैसे चेक करना है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। देखते रहिए वीडियो, धीरे धीरे हम सारे चीज़ आपको दिखा देंगे। अभी जो मैंने कंपोनेंट निकाला था, अब उस कंपोनेंट को थोड़ा चेक करेंगे। ये BD वाला जो है 140 ठीक है, CDL का 140 ठीक है, 139 ABCDL का, ABCDL का। तो ये जो ट्रांजिस्टर है NPN PNP होता है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। बेस कलेक्टर इमीटर होता है इसका, 3 नंबर पिन बेस होता है, तो इसको हम एक बार देख लेंगे ये सारे ठीक है कि नहीं। 653 658 इसमें वैल्यू आना नहीं चाहिए, इसमें भी वैल्यू आना नहीं चाहिए, इसमें भी आना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक तो सही है।
इसका वैल्यू 6543 655 इसमें वैल्यू आना नहीं चाहिए, इसमें भी आना नहीं चाहिए, इसमें भी आना नहीं चाहिए, इसमें भी आना नहीं चाहिए। देखिए सिर्फ एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, अगर हम घुमा के लगाएंगे तो भी वैल्यू आना नहीं चाहिए, बीच में लगाएंगे तो भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। मतलब ये बेस कलेक्टर इमीटर इस टाइप से है, और NPN ये भी बेस कलेक्टर इमीटर है, ये बेस होगा कलेक्टर इमीटर। इसको हम चेक कर लेंगे ये सही है कि नहीं, बिल्कुल सही बता रहा है, इस पॉइंट से भी आना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। पहले बीच में देख लेते हैं साइड से, ठीक है। तो NPN PNG का वैल्यू कैसे चेक करना है, ट्रांजिस्टर उसको मैंने बता दिया, वो बेस कलेक्टर इमीटर पहले ढूंढ लेना है, उसके बाद चेक करना है। और ये जो है इसका वैल्यू एक बार देख लेता हूँ, ये शॉर्ट है, शॉर्ट बताना चाहिए 0.1, तो इसको हम फिल कर देंगे, 0.9 हो चुका है, नहीं नहीं इसमें कुछ है 0.6, मतलब 0.1 ही है, ठीक है। चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं, इसको बोर्ड में लगा देते हैं इसको। तो ये 1K5 का वैल्यू जो ओपन था, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो अगर सही है तो इसको हम फिट कर देंगे, 1K5 वाला था ये, 1K47, ठीक है, इसको लगा देते हैं। ये भी ओपन हो चुका है, ओपन किया नहीं है, ओपन हो गया है, हाँ। डाई सोल्डरिंग प्रॉब्लम आया था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेन मेजर प्रॉब्लम तो है, बोर्ड उड़ चुका है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। IC चेक करने के लिए तो कुछ चीज़ आपको चाहिए, ये भी 7-1 वाला IC है, ये कौन सा है, अच्छा 311 वाला, 8551 वाला, जो भी है IC को एक बार देख लेना है, ठीक है, अच्छे से ये जो IC लगाया है ये काम कर रहा है कि नहीं, IC ठीक है कि नहीं। अगर IC चेक करने का तरीका ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है रेजिस्टेंस लगा के, तो IC शॉर्ट है। अगर IC ओपन मोड में है, काम नहीं कर रहा है, तो चेक करना मुश्किल हो जाता है, IC पिन ट्रैक करके चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने तो जुगाड़ पहले से ही लगा रखा है, आप लोगों को चाहिए क्लास डी रिपेयर करने के लिए, तो मैंने वो पहले से ही जुगाड़ लगा के रखा है कि ये चीज़ लगा लो, आपको आराम से काम बन जाएगा, जो होता है दोस्तों IC टेस्टर। इसमें हम सारे चेक कर लेते हैं, इसका हम सारे चीज को चेक कर लेंगे इसमें ही, क्या सही है क्या गलत है। ये जो IC है दोस्तों निकाला था, ये CD4049 है, तो CD4049 हम लगा देंगे, इसको हम चेक कर लेंगे, CD4049 बिल्कुल डैमेज है, ये IC फुल डैमेज है, ठीक है। इसमें जो LED लगा हुआ है ये ब्लिंक करना चाहिए, IC लगाएगा ये बिल्कुल डैमेज है, तो IC ख़राब है। दूसरा एक IC है, ये भी 4049 ही है, मतलब दो IC उन्होंने 4049 लगा के रखा है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए IC बिल्कुल सही है, ये 4049 जो IC है ये बिल्कुल सही है, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम काम में ले सकता है, ये बिल्कुल ओके है ये IC, इसको हम काम में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ये हम काम में ले सकता है, ये ओके है। ये जो TL071 उन्होंने यूज़ किया है, 071 सिंगल OPM, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में 071, 81, 741 ये सारे IC चेक होता है, तो इसमें भी LED ब्लिंक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, ये LED ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब ये IC भी हम काम पे लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये 311 है,
इसमें 300 वगैरह जो हम सेल करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहले बनाया था इसको तो उसको उसके साथ इम्प्लीमेंट कर दिया हो। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये काम कर रहा है, ठीक है। ये जो है टिगरिंग का काम करेगा। और एक जो है 555, इसको हम इस पॉइंट पे लगा देंगे, इसको भी चेक कर लेंगे इसका जो आउटपुट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ये भी ठीक है, 555 भी काम कर रहा है। तो जो चीज़ निकाला था उसमें तो इतना चीज़ मेरे को सही निकला, तो हम इसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे और बाकी जो चीज़ नहीं है वो हम लगाएंगे। उससे पहले हम इसको अच्छे से सोल्डर कर लेंगे पहले, ठीक है, मतलब क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। क्लीन हो चुका है और सामने देखिए जितना हो सके, इसमें तो पूरा स्पॉट हो गया, ब्लैक स्पॉट ये निकल नहीं रहा, मतलब पीसीबी जल चुका है इसमें। और इसमें जो भी कंपोनेंट डैमेज है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। ये दो डैमेज है, ये दोनों को हम निकाल देंगे। और ये कैपेसिटर है 104, इसको चेक कर लेते हैं, मतलब ये शॉर्ट है कि नहीं एक बार देख लेना है, ठीक है। और तो कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ शॉर्ट है कि नहीं वो पता चलना चलेगा। ठीक ठाक है, चलिए तो हम बाकी सब फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं, ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो चीज़ को फिल कर लेते हैं, सारी चीज़ लगा के एक बार फिर दिखाते हैं, ठीक है। इस सेक्शन तक ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें सप्लाई देके एक बार देख लेंगे। देखिए एलईडी ग्लो हो रहा है और ये प्रोटेक्शन एलईडी, इसको भी चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए इसका जो 311 आईसी है इसका 6 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ये प्रोटेक्शन में जाना चाहिए। देखिए प्रोटेक्शन में गया है तो ये अपने आप हट जाएगा। एक्चुअली ये ओसीबी प्रोटेक्शन होता है, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के वो सेंस करके इसको प्रोटेक्शन में डालता है और इसको एडजस्टेबल इस प्रीसेट से एडजस्ट करना पड़ता है। बाद में ये इसमें एक 100 के रेजिस्टेंस है तो इसको अपने आप डिस्चार्ज करने के लिए 100 के रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों ये बोर्ड बिल्कुल रेडी है, हमें कॉयल भी लगा दिया है। अभी सिर्फ हम इस प्रोटेक्शन को मैंने अलग से चेक किया था, ये काम कर रहा है, लेकिन अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। डिलीट करके देखिए इसमें स्पीकर लगा दिया हुआ है, एक स्पीकर वायर और इसमें एक सीरीज होकर स्पीकर लगा हुआ है अभी एक बल्ब के साथ। और इसमें ये बायसिंग वोल्टेज है 12 वोल्ट, चलिए डाल देते हैं 12 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज। देखिए एक्टिव हो चुका है और रिले का सेक्शन एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए इसमें हम जम्पर लगा के जीओ को शॉर्ट कर दिया, आउटपुट ले लिया है और आउटपुट में एक सॉकेट भी जैक लगा दिया है, तो इसका हम ऑडियो दे के ट्रिगर करेंगे और थोड़ा सा ऑडियो भी आप लोगों को सुनाई देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी इसको ऑन करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है, आप लोगों के सामने है, ये रिपेयर हो चुका है दोस्तों। तो जितने भी मैंने किया है इस वीडियो को दिखाने की कोशिश किया हो, चलिए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए अगर हम इसको ट्रिगर करेंगे और ये सुनाई दे रहा है, ये सीरीज़ में है अभी, ठीक है। अगर हम डिलीट करेंगे तो और भी ज़्यादा आवाज़ आएगा। चलिए थोड़ा ऑडियो भी डाल देते हैं, इस MP3 प्लेयर से ऑडियो डाल देते हैं पीछे से, ठीक है। ये देखिए मैं अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो इसका ऑडियो बहुत तेज हो जाएगा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है दोस्तों। बोर्ड बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। तो ये बिल्कुल रेडी बोर्ड है दोस्तों, तो आप लोग के सामने दिखा दिया हूँ। तो ये रेडी हो गया है, ये हम इसको जंपर निकल के इसको पार्सल में डाल देंगे, ठीक है। जिसने दिया है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरा जो बोर्ड है ना आप बना के एक बार वीडियो डाल दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो लाया हूँ। और एक जो बोर्ड है जो हमारे तरफ से गया हुआ था वो मैंने ऑफर में डाला था, तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गया होगा शायद, तो वो बोर्ड आया है रिपेयर के लिए। देखिए इस बोर्ड का वीडियो भी आने वाला है, इसको निकलते हैं बाहर। ये जो बोर्ड था दोस्तों तो ये मेरे तरफ से गया हुआ था, तो ये वीडियो आएगा, ये फुल रिपेयरिंग का वीडियो आएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और सारे चीज़ हम धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो मॉडल D4K5 सेकेंड वर्जन मैंने दिया था, बहुत ही सस्ते में ये बोर्ड दिया था मैंने, तो ये बोर्ड अभी रिपेयर के लिए आया हुआ है। चलिए कोशिश करेंगे ये जितना हो सके रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।